आर्थिक अभावों में जीवन भर घिरे रहने के बावजूद निराला जी उदारता में कर्म से कम नहीं थे। कोई इनके द्वार से खाली हाथ नहीं गया। कवि सम्मेलन में मिला नया शॉल किसी दरिद्र महिला के बच्चे को उड़ाकर आगे निकल पड़े। नंगे पैर चलते देख किसी ग्वाले को अपने नए जूते पहना दिए। किसी भिखारिन ने बेटा कह दिया तो जेब में जो था सब उसके आंचल में डाल दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी पुस्तक अपरा के लिए उन्हें 2100 रुपये का पुरस्कार दिया तो सारा पैसा अपने स्वर्गीय मित्र मुंशी नवजादिक लाल की विधवा के नाम कर दिया। सच, निराला के हृदय में पीड़ित मानवता के प्रति करुणा का एक अजस्र स्रोत बहता रहता था। हिमालय के समान व्यक्ति की विशालता लिए उनकी सहज द्रवणशीलता करुणा की एक गंगा बन जाती थी और उस समय वो किसी का दुख दूर करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग सकते थे। ये सत्य है कि निराला हिंदी काव्य में छायावाद के एक सशक्त स्तंभ रहे, परंतु ये भी सत्य है कि निराला किसी वाद से कभी बंध के नहीं रहे। छायावाद और उसके पश्चात की काव्य धाराओं को अकेले इस कवि ने जैसी उदात्तता, व्यापकता और युग दृष्टि दी है वो कई सारे कवि सामूहिक रूप से भी न कर सके। परिमल से सांध्यकाकली तक की लगभग 45 वर्षों के इनकी काव्य यात्रा सचमुच एक युग की यात्रा है। परब्रह्म की कृपा का ईश्वरीय संगीत, अलौकिक गायन, सृष्टि के कण कण में व्याप्त देख कवि पुलकित और चकित होकर उस नियंता से, उस परमात्मा से पूछ बैठता है, कैसे गाते हो, मेरे प्राणों में आते हो जाते हो, कैसे गाते हो। स्वर के छा जाते हैं बादल, गरज गरज उठते हैं प्रतिपल, तानों की बिजली के मंडल, जग तीतल को दिखलाते हो, कैसे गाते हो। बिजली के मंडल
कैसे गाते हो, कैसे गाते हो, कैसे गाते हो, मेरे प्राणों में आते हो जाते हो, कैसे गाते हो, कैसे गाते हो, कैसे गाते हो। शिखर तय बह जाते हैं तरु तृण वल कर, ढह जाते हैं शिखर शिखर तल, बह जाते हैं तरु तृण वल कर, भर जाते ऐसे भी तुम बल खाते हो, कैसे गाते हो, कैसे गाते हो, कैसे गाते हो, मेरे प्राणों में, मेरे प्राणों में आते हो जाते हो, कैसे गाते हो, कैसे गाते हो, कैसे गाते हो। बाग बैठे ही रह गए अपने में, अपना सब कह गए, लोग बाग बैठे ही रह गए अपने में, अपना सब कह गए, सही छो हो, मेरे प्राणों में, मेरे प्राणों में आते हो जाते हो, कैसे गाते 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 हो।